अगर आप भी आटा चक्की का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जानें आटा चक्की शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सही लोकेशन का चुनाव करें व सिलेक्ट की हुई लोकेशन पर सही जगह का चयन करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि आप जिस जगह दुकान कर रहे हैं वो बस्ती या कॉलोनी में हो, जिसे लोग आपकी शॉप पर आकर आटा या अन्य सामग्री को पिसवा सकें। दुकान की लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप किसी दुकान से किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि दुकान 18x15 वर्ग फीट में हो। यदि आप अपने घर से ही इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो एक छोटे कमरे में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मशीनरी उपकरण व इन्वेस्टमेंट, ये व्यापार बेहद कम निवेश के साथ भी शुरू हो सकता है। मशीनरी और उपकरणों की खरीदारी को मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट होगा। आमतौर पर आटा चक्की के लिए जो मशीनें प्रचलन में हैं, वो 25 से 50 हजार तक की कीमत पर आ जाती हैं। कच्चा माल और अन्य वस्तुओं में निवेश के लिए कम से कम 1 लाख तक का बजट होना चाहिए। भारत सरकार मुद्रा योजना के तहत ले लोन। भारत सरकार की संस्था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा आटा चक्की बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, छोटे तौर पर बिजनेस करने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने उद्योग को बड़े पैमाने पर करने की सोच रहे हैं तो इन लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। व्यापार का नाम और रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना आटा चक्की का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप इसके बारे में और अधिक जानकारियां चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम जल्द ही आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।